शोभा वधवा कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ धनिये की पंजीरी, जिसे जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष रूप से बनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले इसी पंजीरी का भोग लगाते हैं। इसे बनाना बड़ा ही आसान है, खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। यह पंजीरी फलाहारी होने से व्रत में भी इसे खाया जा सकता है। पंजीरी बनाने में समय भी बहुत ही कम लगता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। धनिया की पंजीरी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 100 ग्राम साबुत धनिया, 100 ग्राम चीनी, 2 बड़े चम्मच देसी घी और 100 ग्राम ही ड्राई फ्रूट लिया है, जिसमें लिए हैं 15 ग्राम बादाम, 15 ग्राम काजू, 10 ग्राम अखरोट, 10 ग्राम पिस्ता, 10 ग्राम सूखा नारियल, 10 ग्राम मतीरे के बीज, 10 ग्राम चिरंजी, 10 ग्राम किशमिश और 5 पीस छोटी इलायची के। अब मैं सबसे पहले साबुत धनिया को मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीसूंगी, उसके बाद चीनी को बिल्कुल बारीक पीस के इसका बूरा बना लेंगे और बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, नारियल को चाकू से बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। धनिया को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है और चीनी को भी बिल्कुल बारीक पीस लिया है, ड्राई फ्रूट को बारीक बारीक काट लिया है और इलायची को छीलकर इसके अंदर के बीज को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन कर रही हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी घी, घी को थोड़ा सा पिघलने देंगे, हाई फ्लेम कर लेंगे थोड़ी सी। घी हमारा पिघल गया है, इसमें डालेंगे हम सबसे पहले धनिया पिसा हुआ, फ्लेम को लो करना है। इसे सेकेंगे हम लो पे। अब इसमें डाल देंगे हम कटे हुए ड्राई फ्रूट, जब तक भुनेंगे जब तक इसमें थोड़ी खुशबू नहीं आ जाए धनिए की। धनिए में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि हमने इसको घर में ही पीस कर बनाया है। अब हम इसमें डालेंगे बचे हुए ड्राई फ्रूट, मतीरे के बीज, चिरंजी और किशमिश। फ्लेम को बंद कर देंगे। अब थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें डालेंगे हम चीनी का पाउडर और इलायची का पाउडर। हल्का सा गर्म है ये, अब इसमें हम डालेंगे अब चीनी पाउडर इलायची पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। धनिया की पंजीरी में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छे से मिक्स हो गई है चीनी, अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे हम। धनिया की पंजीरी बिल्कुल ठंडी हो गई है, मैं इस बाउल में निकाल रही हूँ इसे। मैंने धनिया व ड्राई फ्रूट को लो फ्लेम पर सेका है, जिसे सिकने में करीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं।
मैंने सारी पंजीरी बाउल में निकाल ली है, ये बनकर के तैयार हो गई है। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट पहले से ही काट कर रख लिए थे, आप चाहें तो इसको सजावट के लिए इसके ऊपर डाल सकते हैं इस तरह से। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। और कुछ पत्ते मैंने तुलसी के लिए हैं, वो भी इसके ऊपर लगा रही हूँ। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आप इस रेसिपी को जन्माष्टमी के अवसर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें व शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।